पूरे देश सहित महाराष्ट्र के व्यापारियों ने भी कोरोना लॉकडाउन की मार झेली है, जिससे इन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। अब व्यापार में बढ़ोतरी के लिए सरकार को चाहिए कि व्यापारियों की सुनकर उन्हें मदद करें, उनके व्यापार करने के रास्ते खोले। ऐसे ही कुछ सुझाव जानने के लिए आज हम बात करेंगे नागपुर की प्रसिद्ध मणिदीप इंजीनियरिंग कंपनी के डायरेक्टर नरेंद्र नगराले से, और जानेंगे आज कोरोना लॉकडाउन के बाद व्यापार की क्या स्थिति है और अगर सरकार चाहे तो व्यापारियों को किस तरह मदद कर सकती है। कोविड मुळे भरपूर फरक पडला आहे, म्हणजे पूर्ण व्यवसायाच्या ह्याच्यावर। फक्त पुढे एक असं कन्स्ट्रक्शन म्हणून नाही तर सगळ्याच क्षेत्रामध्ये फरक पडलेला आहे। कोविडच्या त्यात एक तर सरकारने जो निर्णय घेतला तो अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने घेतला होता। एकदम अचानक जे लॉकडाऊन करण्यात आलं काही पूर्व परवानगी न देता, त्याच्यामुळे म्हणजे नियोजन नसताना जे केलेलं काम त्याच्यामुळे जास्त प्रॉब्लेम झाला खरं म्हणजे। आणि या काळामध्ये इंडस्ट्री पण बंद झाल्या, तर इंडस्ट्रीमुळे कसं आता इंडस्ट्रीज ओव्हरऑल ज्या इंडस्ट्रीमध्ये आमचे कामं चालतात, आम्ही सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहोत कंपन्यांमध्ये, तर त्याच्यात अचानक बंद झाल्यामुळे कंपन्यांनी तर आम्हाला लगेच सांगून दिलं उद्यापासून तुमचे लेबर्स नको किंवा तुमच्या सर्व्हिसेस नको। परंतु जी माणसं एवढ्या वर्षापासून आपल्यासोबत आहे तर त्या लोकांना आम्ही एवढ्या मोठ्या कंपन्यांनी काही एक मदत केली नाही किंवा सरकारने काही मदत नाही केली, आम्ही उलट आमच्या खिशातून त्या लोकांना काही महिने पेमेंट केला। तर शेवटी आम्हाला पण काहीतरी मर्यादा आहेत, त्याच्यामुळे सर्वसाधारण जे हातावर पोट आहे त्या लोकांचे खूपच हाल झाले त्या काळामध्ये। म्हणजे तसं बघायला गेलं तर म्हणजे मध्यम वर्गापासून अगदी जे रोजीरोटीवाले आहेत त्यांच्यापर्यंत सर्वांना खूप फरक पडला आहे। व्हॉट अबाउट युअर नेचर ऑफ वर्क? ऍक्च्युली नेचर ऑफ वर्क इज वी आर प्रोव्हायडिंग सर्व्हिसेस फॉर इंडस्ट्रीज, मेनली आवर कोर सेक्टर इज बॉयलर अँड इरेक्शन ऑफ बॉयलर, कमिशनिंग ऑफ बॉयलर, ऑपरेशन मेंटेनन्स ऑफ बॉयलर, दिस सर्विसेस वी आर प्रोवाइडिंग। अभी एट प्रेजेंट वर्तमान स्थिति क्या है आपके व्यापार की? वर्तमान स्थिति अभी जैसे इंडस्ट्री तो चालू हुई है, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन का जो असर है अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री बंद होने के बाद जो कैश फ्लो का साइकिल है या फिर जो बिजनेस का भी साइकिल रहता है कि भाई माल बेचा गया फिर उसके बाद पैसा आएगा फिर रॉ मटेरियल लेंगे कंपनी वाले, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। तो उसके वजह से क्या है, कंपनियां पेमेंट नहीं दे पा रही है जो भी काम कर रहे हैं, मतलब वेंडर्स को पेमेंट नहीं दे पा रही है, यहाँ तक कि मतलब उनके जो खुद के एम्प्लॉयज हैं उनके भी उनका भी पेमेंट टाइम पे नहीं हो पा रहा है, ये सारी समस्या है। एमआईडीसी की आधी कंपनियां बंद हो चुकी है, मतलब पूरी कंपनी को इंडस्ट्री को लॉक लगा है, किस प्रकार का असर आपके बिजनेस पर हुआ है? उसका असर तो है, ओवरऑल जो अभी हमारा टर्नओवर था वो मतलब 40% कम हुआ है, जो कोविड के पहले जो टर्नओवर था और अभी का जो टर्नओवर है उसमें 40% गिरावट आई, और वो सब भी कोविड के वजह से हुआ है जी। जैसे कि सर पूरे देश के व्यापारियों ने दो लॉकडाउन बड़ी मुश्किल तरीके से झेले हैं, अगर तीसरा लॉकडाउन होता है तो क्या स्थिति होगी आपके व्यापार की? तीसरा लॉकडाउन होगा तो फिर खड़े नहीं हो पाएंगे, मतलब अभी सिचुएशन ऐसी है कि मतलब पहले और दूसरे लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग मतलब जिनका छोटे मोटे व्यापारी थे वो मतलब ख़त्म ही हो गए ऐसा आप बोल सकते हैं, मतलब वो अभी दोबारा उभर नहीं पाए, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की है, ये बिजनेस ख़त्म हो गया, कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो अभी अगर तीसरा अगर हुआ तो मतलब उस पर निकलना कठिन है जी। क्या लगता है आपको कि सरकार ने व्यापारियों को या उनके व्यापार बचाने के लिए किसी भी तरीके से जो भी फैसला लेती है तो क्या व्यापारियों से सलाह लेना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए?
नहीं जरूर व्यापारी से सलाह तो लेना ही चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग का मोटा हिस्सा है देश के विकास में, और जो रेवेन्यू जो भी मिल रहा है सरकार को इसमें व्यापारी वर्ग का ही बड़ा हिस्सा है। तो इसमें व्यापारी वर्ग की और भी दूसरी समस्या जैसे जीएसटी के जो रूल्स है वो व्यापारी लोग के हिसाब से नहीं है। एक बार अभी जैसे कोई भी बिल बनता है तो उसके पहले वो एक महीने के अंदर भरना ही है, नहीं भरते हैं तो वो इंटरेस्ट के साथ सरकार वसूल कर रही है। अभी वो कैसे क्या करेगा, मतलब जो मैं बेसिक अमाउंट ही नहीं मिल रही उसको, उसके पहले वो जीएसटी भर दे और नहीं भरा तो सरकार है तो ब्याज से वसूल करेगी, तो ये सब गलत है, ये सब देखना चाहिए सरकार ने इसमें। अगर बात की जाए मणिदीप इंजीनियरिंग की, तो किस किस तरीके का सेल आउट अपनी कंपनी द्वारा किया जाता है और किस किस तरीके का काम किया जाता है? हमारा बॉयलर फील्ड का ही काम है, बॉयलर का इरेक्शन है, कमिश्निंग है, बॉयलर का ऑपरेशन मेंटेनेंस भी लेते हैं हम, बॉयलर के साथ जो बाकी यूटिलिटी जो रहती है इंडस्ट्री में उसका भी काम हम करते हैं, और उसके साथ जो जुड़े हुए बिजनेस है जैसे बॉयलर का, वाटर ट्रीटमेंट, केमिकल का वो भी करते हैं हम, मतलब ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ ऐसा है हमारा, मतलब इंजीनियरिंग साइड में जितनी भी सर्विसेज लगती है वो सभी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं कंपनियों को। सरकार ने ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो है व्यापार वर्ग की स्थिति जो है सुधर जाए ऐसा आपको लगता है? सबसे पहले तो जीएसटी का जो रूल बनाया है वो थोड़ा उसमें चेंजेस करना चाहिए, जीएसटी का रिटर्न का भी है जो भी है, क्योंकि जैसे ही बिल रेज किया उसके 30 दिन के अंदर जीएसटी भरना है, नहीं भरा तो फिर वो भी पेनल्टी के साथ सरकार ये करती है कि वो सामने से पेमेंट भी तो आना चाहिए, बिल देने के बाद सामने वाले पार्टी से पेमेंट नहीं आता है, मतलब 6-6 महीना 7-7 पेमेंट नहीं आता है, और हमको है तो मतलब 30 डेज के अंदर ही पेमेंट जीएसटी का करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या संदेश रहेगा सर आपको व्यापारियों? व्यापारियों को लिए यही संदेश है कि अभी का जो माहौल है उसमें मतलब सोच समझ कर निवेश करें किसी भी चीज में, जिस तरीके से है सिचुएशन कोविड के हिसाब से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मल स्थिति में कुछ भी मतलब रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अभी जैसा रिस्क लेने जैसा माहौल नहीं है, और इसके लिए जीएसटी के लिए सभी ने मिल के सरकार से अपील करनी चाहिए, जीएसटी के लिए जो भी रूल बना है वो थोड़ा बहुत मतलब उसमें बदलाव चाहिए। और दूसरा जो बिजनेस लोन मिलता है उसके लिए वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम किया जाए। अभी भी बीच में केंद्र सरकार ने वो पैकेज जारी किया था, लेकिन वो पूरा मतलब आय व्यवस्था हो उसमें कुछ किसी को तो मिला नहीं है, वो ना किसी को दिया गया है, जो करोड़ों का पैकेज बता रही गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो उस हिसाब से व्यापारी वर्ग अगर पूरे एकजुट होकर अगर इसमें ये करे तो निश्चय सरकार को उसके ऊपर विचार विमर्श करना पड़ेगा।